बिग बॉस के घर में कुछ ही दिन बाकी और 5 कंटेस्टेंट बचे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं 5 क्यों कह रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि निक्की तंबोली घर में ही है और मैंने आपको जो है इससे पहले वीडियो भी बताया। तो अब जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि अली गोनी सबसे पहले कन्फेशन रूम में गए और उन्हें जो वोट मांगने के लिए अपनी स्पीच देनी थी उसमें उन्होंने रुबीना, राहुल, जासमिन सबका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मेरे घर में, इस घर में सबसे प्यारा मोमेंट था जब मैं आया और जासमिन से मिला। इतने दिनों बाद जासमिन को देखा, जासमिन की जो फीलिंग थी, जो उसको देख के मुझे फील हुआ, जो अजीब सी फीलिंग थी, मैं कभी नहीं भूल सकता। रुबीना का रिश्ता मेरे साथ बिना कुछ ऐसे ही बना और वो रिश्ता मेरे साथ हमेशा रहेगा, राहुल के साथ जो मेरा दोस्त बना। इसके अलावा उन्होंने कहा, लोग बोलते हैं कि मुझमें जीतने की बात नहीं है, मैं बोलता नहीं हूँ जीतना है, तो मैं उन लोगों में से हूँ जो जीतने के लिए बोलते नहीं हैं, कुछ कर दिखाते हैं और मैं कुछ करके दिखाऊंगा। आज तक मुझे किसी ने नॉमिनेट नहीं किया, टास्क अगर मेरे फेवर में नहीं किया तो मैंने रद्द कराया। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर सब कहते हैं कि मैं सबसे बना के रखता हूँ तो ये मेरी एक शक्ति है, पावर है, और ये बहुत कम लोगों में होती है जो सबसे बना कर रखें, और मेरे में ये क्वालिटी है कि मैं लोगों से बना कर रखता हूँ। तो रुबीना और राहुल का रिश्ता उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा था, खूबसूरत था, बहुत लंबी स्पीच थी। मुझे इस घर ने वो सब सिखाया जो मैं बाहर रह के नहीं सीख सकता था। मैं माँ बाप से कभी भी इतने दिन दूर नहीं रहा। मैंने खाना बनाना पहली बार सीखा, कपड़े धोना, 120 दिन बिना मोबाइल के रहना। तो इस शो ने मुझे बहुत कुछ दिया और मैं आप सबसे अब कहूँगा कि मुझे ट्रॉफी जीतनी है। लेकिन अपने पूरी स्पीच में उन्होंने रुबीना के लिए बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कहा, जो रुबीना ने मुझे प्यार दिया वो अनबिलीवेबल था, जो राहुल ने मुझे प्यार दिया मैं आज तक विश्वास नहीं कर पाता कि मुझे इतना प्यार मिला। तो इस तरह अली ने वोट पर इस तरह की जो है वोट अपील आप सभी के लिए की है और उनकी स्पीच के ये जो है कुछ अंश थे जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अब नेक्स्ट कन्फेशन रूम में जो भी जाएगा उसकी भी स्पीच जो है हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।